पूरे देश में इन दिनों चुनाव का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियों की सूरमा चुनाव मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जनपद बलरामपुर और बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा किया। इस दौरान तेज धूप में भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता की भीड़ जनसभा में जुटी रही। जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और बलरामपुर की जनता में एक बड़ा दावा किया। बता दें कि बलरामपुर की जनसभा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हारे थे और इस बार रायबरेली से भी हारेंगे। वहीं अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जिस तरह कन्नौज से 2019 में चुनाव हारी थी, ठीक उसी प्रकार इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव हारने जा रहे हैं। आगे उपमुख्यमंत्री ने क्या कहा सुनिए। 80 सीटों में है लेकिन जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन बलरामपुर की धरती से ये मैं आपको बता दूं, अमेठी में तो श्री राहुल गांधी जी 2019 में ही हार चुके हैं, रायबरेली 2024 में हारने जा रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी 2019 में कन्नौज लोकसभा हार चुकी हैं और 2024 में श्री अखिलेश यादव जी भी कन्नौज से हारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल भारी अंतर से खिल रहा है। वहीं बहराइच पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी की औकात नहीं कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। आगे केशव प्रसाद ने कहा कि इस बार जनता हमारे साथ है और हम यूपी की 80 सीटें जीत रहे हैं। आगे केशव प्रसाद ने क्या कुछ कहा सुनिए। तुम्हारी कृपा से न पहली बार बने थे, न दूसरी बार बने हैं और न तीसरी बार बनेंगे। तुम विरोध करो जितनी औकात है तुम्हारी, हम जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे और तीसरी बार भी मोदी जी को जनता के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बनाए। इसलिए मैं आप सब से यहाँ पर विनती करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। समय का बहुत अभाव रहता है, लोकसभा का चुनाव है। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतना है, बताइए मदद करोगे? दोनों हाथ उठा बताओ सब लोग, मदद करोगे ना? 2024 में 80 की 80 उसमें बहराइच लोकसभा भी रिकॉर्ड वोटों से जीत करके जानी चाहिए, सबको जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूँ। ऐसे में आपको बताते चलें कि बहराइच और बलरामपुर में चौथे चरण में यानी 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों सीटों को लेकर किस पार्टी के दावे कितने सच होते हैं और इन सीटों पर कौन बाजी मारता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी और बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।